गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार सिंह, क्लास 10 केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अभी पिछले कुछ वीडियो में हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, कैसे उत्पत्ति हुई, और उसके बाद हमने कल पढ़ा हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करें, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसके बारे में कल हल्का फुल्का बात किया गया था। उसमें हमने एक प्रश्न पूछा था कि हम सांस लेने में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब मुंह से सांस बाहर की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऐसा क्यों होता है? या जब पेड़ पौधे दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और उसमें से ऑक्सीजन निकालते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो पेड़ पौधे के अगर हम बात करें तो उसको आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। हाई स्कूल में जीव विज्ञान में पढ़ोगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया उन्हीं पौधों में होता है जो हरे होते हैं, अर्थात जिनमें पर्णहरित होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कभी नहीं देखा होगा सूखे पेड़ जो है बढ़ते हैं, सूखे पेड़ नहीं बढ़ते हैं क्योंकि उसमें पत्ते नहीं होते हैं और अपना भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। हमने अपनी बात की कि हम ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, उसका कारण है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज उपस्थित होता है। हम सांस लेते हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है, या ऑक्सीजन एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज को अपघटित कर देता है, अर्थात ऑक्सीकृत कर देता है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह से बाहर निकल जाती है क्योंकि हमारे शरीर में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इसलिए बाहर निकल जाती है। और जो जल बनता है हमारे शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसका और प्लस यहाँ से एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा का प्रयोग अपने अन्य कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। खाना खाने के बाद हमारे शरीर में ताकत आती है, वो इसके कारण होता है, एनर्जी जो मिलती है हमसे। इस तरह से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की। रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारी हैं, दहन है, वियोजन, उसमें वियोजन है, अपघटन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, विलोपन अभिक्रिया है, इस तरह से कई सारी अभिक्रियाएं हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अगर प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें, प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें, जैसे हमने क्रिया करा दिया H2SO4 की क्रिया करा दिया NaOH, आमला और क्षार की क्रिया करा दिया जाए, तो यहां से इनमें जब अपघटन होता है तो ये H+ और SO4- में टूटेगा और ये Na+ और OH- में टूटेगा, तो यहां से ये प्लस और ये माइनस आपस में क्रिया करेगा और जल बना लेगा, और यहां से ये प्लस और माइनस आपस में क्रिया करेंगे, लवण बना Na2SO4। तो यहां से ये इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती हैं प्रतिस्थापक अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि इसने कहा तुम मेरी जगह आओ, हम तुम्हारी जगह जाते हैं, तो मेरी जगह आओ, प्रतिस्थापन स्थान का परिवर्तन, इस प्रकार की अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। इसी तरह से और कई अभिक्रियाएं हैं, उसी वजह से हमने बात किया अगली अभिक्रिया दहन अभिक्रिया। दहन मतलब होता है जलाना, कार्बन और ऑक्सीजन को जलाया जाता है, कार्बन मतलब कोयला, कोयले को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, प्लस यहाँ से भी एनर्जी निकलती है, यहाँ से भी एनर्जी प्राप्त होती है।
कार्बन डाइऑक्साइड को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यहाँ पर कार्बन का पूर्ण रूप से दहन हो जाता है। कोयला धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती है दहन अभिक्रियाएं कहलाती है। उसी के साथ वियोजन की अगर हम बात करें, वियोजन की बात किया जाए, हाइड्रोजन आयोडाइड को जब गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन और आयोडीन के रूप में इसका अपघटन हो जाता है, वियोजित हो जाती है, अभिक्रिया वियोजित हो जाती है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है वो वियोजन अभिक्रियाएं होती है। अब हम आगे कुछ अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम कुछ अगला पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ अगर हम बात करें, सिलेबस में थोड़ा सा कटौती की गई है, आप लोगों को पीडीएफ द्वारा सिलेबस भेज भी दिया गया होगा, आप लोग देख लेना। इसमें से अब क्षार के रासायनिक गुण हटाए गए हैं, गुणधर्म हटाए गए हैं, तत्वों की आवर्त सारणी से न्यूलैंड और हमने बताया था त्रिक सिद्धांत जो है डोबेराइनर का, वो हटा दिया गया है। और इसी तरह से छोटी छोटी टॉपिक के कुछ हटाए गए हैं जिनको आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है।